ने भारत की हिंदू और मुस्लिम लड़कियों से सीमा के बारे में चार सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या सीमा को भारत में पनाह देनी चाहिए? दूसरा, क्या सीमा मुस्लिम से हिंदू बन गई इसीलिए उसके खिलाफ फतवे जारी हो गए? तीसरा सवाल, पाकिस्तानी हिंदुओं और मंदिरों के खिलाफ डकैतों की धमकी क्यों? और चौथा सवाल, क्या सीमा ISI की एजेंट है या फिर अपने प्यार के लिए सीमा लांघ कर आई है? भारत में सीमा को रहने दिया जाए या नहीं, हमने ये सवाल पहले भारत की हिंदू लड़कियों से किया। इसमें मैं क्या बोलूं, लोग पबजी के थ्रू कहां से कहां तक प्यार में अंधे होकर के आ जाते हैं। हो सकता है कि वो पाकिस्तान की कोई चाल भी हो कि उसको ऐसे दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि वो इल्लीगल भी यहाँ पे आई है, तो हमारा कुछ भी कहना सही नहीं है कि हमें यहाँ पे पनाह उसे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। नहीं, पनाह तो नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान से आई हुई है, और रिटर्न जाने पर उसकी जान को तो ऑफकोर्स होगा ही खतरा, क्योंकि उसे ना ही पाकिस्तान अब एक्सेप्ट करेगा और हिंदुस्तान तो कर ही नहीं रहा एक्सेप्ट। सो रिटर्न भिजवा देना चाहिए उससे, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनको। मैं क्या बोलूँ, मोहब्बत शायद मोहब्बत में आई हो या किसी मोहब्बत में आई होगी, तो कैंसर नहीं, अभी पहले देखना चाहिए कि वो IS की एजेंट हो सकती है और उसे अभी पनाह नहीं देनी चाहिए। जानते कि लाइक इंडिया में आके उसका इंटेंशन ट्रू है या रॉन्ग है, तो फॉर दैट पर्पस टू कीप आवर कंट्री सेफ हमें उन्हें कहीं तो भेजना चाहिए, बट दैट इज ऑल्सो ट्रू कि लाइफ का उनका थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सो दैट इंडिया पे उनकी लाइफ का मेनली कॉज ना बने इंडिया उनके लाइफ के लिए। सो अगर वो पनाह मांग रही है और मेरे हिसाब से वो कन्वर्ट भी हो गई है एज अ हिंदू, इफ उसको लगता है कि उसको जान का खतरा, बिकॉज उसने बहुत रिस्क लेकर वो इंडिया आई है थ्रू पाकिस्तान, आपको हमारे रिलेशन भी पता है कि कैसे है, तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए उसे और उसकी मदद करनी चाहिए और सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि उसको जान का खतरा फील ना हो और वो इंडिया को एज अ अपना घर समझ के रह सके यहाँ पे। आई थिंक देनी चाहिए कि वो इतनी दूर से यहाँ आई हैं और अपने प्यार के लिए आई हैं, सो आई थिंक देनी चाहिए। सीमा को भारत में रहने देने या ना रहने देने का सवाल हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक पूछा जा रहा है। सऊदी अरब से सीमा का पति भारत सरकार से सीमा और बच्चों के लिए गुहार लगा रहा है। क्या कहती हैं भारत की मुस्लिम लड़कियां, इसे देखिए। क्या उसे हिंदुस्तान में बने रहना देना चाहिए, उसे पनाह हमारा मुल्क दे? जी नहीं सर, क्योंकि जब अपने देश के साथ उसने गद्दारी करी है, जब वो अपने देश की नहीं हो सकती, वो मेरे देश की क्या होगी? वो अपने देश के साथ नहीं रह सकती है तो वो हम लोग के साथ नहीं रह सकती। हमारे यहाँ उसे पनाह देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि देनी चाहिए, बिकॉज वो अपने उसका वो जहाँ पैदा हुई उस कंट्री की वो नहीं है, तो हमारी कंट्री की कैसे हो सकती है? अच्छा। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने देश के लिए अपने देश के प्रति वफादार नहीं है तो वो हमारे देश के लिए गद्दार भी हो सकती हैं। जब वो अपने देश के प्रति वफादार नहीं हो सकती तो हम लोग देश के प्रति क्या होंगी? हो सकता हो किसी साजिश के करते आ रही हो सकता है यहाँ भी कुछ करना चाह रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए ऐसी लेडीज को जो अपना मुल्क छोड़कर आई है, गलत आई है यहाँ पर, और किसी इरादे से आएंगे वो अपन को भी नहीं मालूम ना किस इरादे से आएंगे, वो अपना आदमी छोड़कर आएंगे, दूसरे के साथ आएंगे, गैर मुस्लिम होंगे, गलत है ना। पहले उसकी जांच करनी चाहिए, फिर उसके बाद देखना चाहिए कि उसको पनाह देनी चाहिए या नहीं चाहिए। सर मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ मतलब स्कैम है, क्योंकि उसका मतलब पाकिस्तानियों का एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट है, एंड उसके एक्सेंट में वो एक जैसे हम नॉर्मल इंडियंस बात करते हैं, मतलब कोई भी कॉमन बंदा देखेगा ना वो मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा दैट शी इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि वो गलती से भी एक वर्ड अटर ही नहीं करती है, सारे वर्ड्स जो हैं उसके या तो इंग्लिश होते हैं या फिर वो हिंदी होते हैं, वो कोई मतलब नॉर्मल बंदा भी ना थोड़े बहुत तो उर्दू के वर्ड्स यूज करता है, वो बोलती ही नहीं है, ना उसके फीचर्स वो पाकिस्तानी है, ना उसका बॉडी लैंग्वेज, मतलब इतना आइडिया सबको हो चुका है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं पाकिस्तानी सीरियल्स, हर कॉमन मैन वो देखता है, हर बंदे को पता होता है सारे से, और थ्रू इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा फेमस, तो फिर मुझे नहीं लगता वो आई ही है पाकिस्तान। ऐसा एक चीज बताओ, उसको सीमा हैदर को यहाँ रखना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई है और बिना वीजा के आई है, उसको दोबारा पाकिस्तान भेजना चाहिए। पाकिस्तान जाने के सवाल पर सीमा खुद कई बार मना कर चुकी है कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी, भारत में सचिन के साथ ही रहेगी, पाकिस्तान में उसे जान का खतरा है।
हिंदू बनने के बाद पाकिस्तान में उसके कत्ल का फतवा जारी हो चुका है। पाकिस्तान में सीमा के खिलाफ फतवे के सवाल पर भारत की हिंदू बेटियां क्या सोचती हैं, जरा ये भी सुनिए। सीमा मुस्लिम से हिंदू बन गई, इस कारण से उसके खिलाफ फतवे जारी हो गए, क्या यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है? हो भी सकता है, चुभ भी सकती है। डेफिनेटली इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का सबको ही पता है कि क्या रिलेशन है दोनों का आपस में। सो होगा, नफरत तो होगी कि वो इंडिया आ गई है और सब कुछ छोड़ के, और पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती अपनी कंट्री जहां वो पैदा हुई है, जहां उसने सब कुछ अपने मम्मी पापा सबको देखा है। तो या ऑब्वियसली बहुत सारी रीजंस है। हाँ, हिंदू कन्वर्ट हुई है तो उनके लिए बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ऑब्वियसली उनके रिलीजन के ऊपर बात आई है। तो और मुस्लिमों के लिए मेजर उनका रिलीजन ही मैटर करता है, तो हाँ ये मेजर रीजन हो सकता है। और वो पाकिस्तान से भाग कर आई है और वो ओपन मीडिया में पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रही है, तो ये भी रीजन है कि उसको जान का खतरा है। यही सवाल जब भारत के मुस्लिम लड़कियों से किया गया तो उनकी राय मिलीजुली आई। उन्होंने किसी धर्म को अपनाना या छोड़ देना, इसे उन्होंने निजी राय बताया। आपको लगता है कि ये फतवे इसलिए जारी हो रहे हैं क्योंकि उसने इस्लाम छोड़ के वो हिंदू धर्म में आ गई है, हिंदू धर्म उसने अपना लिया है? वो उसका खुद का पर्सनल इशू है कि वो उसने हिंदू धर्म अपनाया या फिर कोई भी रिलीजन अपनाए, लेकिन ये चीज़ गलत है और जो उन लोग कर रहे हैं, पर वो उसका रिलीजन है, वो जो भी अपनाए वो उसकी मर्जी। ये फतवे जारी करें तो वो उनने ऐसा काम करा, क्यों आएंगे ये? इसमें कहीं ना कहीं उनकी कुछ वजह है, क्यों आएंगे ये यहाँ पर? यह आतंकवादियों से मिली है क्या है ये? हो सकता है, लेकिन वो उसका पर्सनल मैटर है। रिलीजन एक इंसान का पर्सनल मैटर है, उसको पूरा हक है कि वो कौन सा रिलीजन अपनाना चाहता है, तो ये उसकी अपनी पसंद है, हो सकता है। पाकिस्तान के मौलाना नाराज हैं, उन्हें बात हजम नहीं हो रही कि ये जो सीमा है पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई। हाँ, तो वो हिंदू हो गई, अब हम लोगों ने तो उसको कहा नहीं था कि वो हिंदू हो जाए, तो हम लोग क्या करें? ये तो उसकी मर्जी है ना, ये तो उसकी मर्जी है, वो हिंदू बने या मुसलमान बने। अब उसके खिलाफ फतवा दे देना पाकिस्तान में, वो जायज़ सी बात है क्या? अब ये तो वही लोग कर सकते हैं, मौलाना है वहाँ के, उन वहाँ की वो उनको वहाँ का नेशनैलिटी है, पाकिस्तानी है वो। अब वहाँ के मौलाना को अच्छा नहीं लगा होगा कि वो मुसलमान थी हिंदू बन गई, इसीलिए उन्हें फतवा जारी कर दिया। हो भी सकता है ऐसा, लेकिन अब वो उसकी प्रॉब्लम है, मतलब उसका डिसीजन है कि वो हिंदू से मुस्लिम से हिंदू हुई या कोई धर्म अपनाए, बट वहाँ की जो जिनको ऐसा लग रहा है तो वो उसका खुद अपना डिसीजन है। ये तो गलत बात है, अब उनकी मर्जी थी, वो कोई भी धर्म अपनाना चाहे, चाहे मुस्लिम अपनाना चाहे, चाहे हिंदू अपनाना चाहे, अब उनकी मर्जी है वो। पाकिस्तान में सीमा के खिलाफ सरतन से जुदा गैंग ने कत्ल का फतवा जारी कर दिया है, तो पाकिस्तान बीहड़ के डकैत पाकिस्तान में हिंदुओं का सिर कलम करने का ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के खिलाफ डकैतों के इस दुस्साहस पर क्या कहती हैं भारत की हिंदू लड़कियां, आप भी सुनिए। इसमें भी क्या कहना, क्योंकि अब वो पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली अगर वो वापस पाकिस्तान जाएगी तो उसे वहां पे जान का तो खतरा हो गए, क्योंकि वो इलीगल थ्रू आई है, हिंदुस्तान पे आई है, प्यार के लिए आई है, वो हिंदू बनना चाह रही है, तो पाकिस्तान लोग के वहां के लोग तो विरोध करेंगे ही उसके खिलाफ कि उसे जान की धमकी देना कि वो हिंदू धर्म निभा रही है पाकिस्तानी होकर के। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर पाकिस्तान भिजवा देना चाहिए सीमा को, क्योंकि वहाँ की हिंदुओं को प्रॉब्लम होगी, ये हम भी नहीं चाहेंगे। पहले देखना चाहिए कि वो प्यार में आई है या वैसे आई है, अगर वो इसमें आई है तो उसे करना चाहिए। रिलीजन के उसमें हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे में ये सब नहीं पढ़ा जाता कि रिलीजन के बेस्ट है, बस हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि एक लड़की मतलब मोहब्बत में आ सकती, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मार कटाई उधर हो रही है या रिलीजन, ना हिंदू ना मुस्लिम मुझे करना नहीं आता, और मुस्लिम और हिंदू तो मतलब एक तरीके से दोस्त, यूनिटी है इंडिया की। पाकिस्तान के हिंदू और हिंदू मंदिरों के खिलाफ पाकिस्तानी डकैतों की धमकी पर भारत की मुस्लिम लड़कियां फ्रंट फुट पर हैं और डकैतों को दुस्साहस नहीं करने का अल्टीमेटम दे रही हैं। वो चुभ रही है और वो जो बोलना है वो बहुत गलत बोलना है कि वहाँ पर मंदिर जला दिए जाएंगे तो हिंदुओं को मारेंगे, ये कर जाएगा, ये सीमा को सजा देना चाहिए, ये उन लोगों की सजा बेकसूर है, वो लोग सिर्फ सीमा है कसूरवार, उसको ट्रेन करके भेजा गया है यहाँ पर, और वो ऐसी लड़की है कि मतलब जो जिसके साथ सचिन कर रही है वो सीधा आदमी है, लड़का है वो, उसको कुछ मालूम नहीं है, प्यार के जाल में उन्हें फंसाया गया है और वो बिल्कुल कोई बात का जवाब ही नहीं दे रहा हो,
क्यों नहीं दे रहा ऐसा कि बच्चों की नहीं है। अभी कहती है बच्चे हम दे देंगे शोर को, वो कभी कहती है हम बच्चों को अपने पास पालेंगे, आदमी भी भरोसा नहीं है। बच्चे तो मियां बीवी के दोनों के होते हैं ना, तो इनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए, इनको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत देश को, हमारे इंडिया को बहुत खतरा है ऐसी लेडीजों से। नहीं, हिंदुओं का ना किसी का वो नहीं है, सीमा की गलती है, उनकी गर्दन काटी है, उनको सजा देना चाहिए ना। और वो यहाँ क्यों आएंगे, यहाँ तो उनको रहने नहीं देना चाहिए। कोई ना मंदिर तोड़ सकता है ना वो कर सकता है, क्योंकि ये जो लेडी आई है यहाँ पर, ये भाग कर ही आई है एक तरह से। तो वो फतवे जो दे रहे हैं वो जाने, सीमा हैदर के लिए जो वो करना चाहें करें, मगर हमारे देश को या मंदिर को या किसी तरह की किसी चीज को उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने का हक नहीं है। भारत में रहने देने के लिए भारत की हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की राय जो है वो बटी हुई नजर आती है। अब तक सीमा का कैरेक्टर इतना संदिग्ध बना हुआ है कि ज्यादातर लोग सीमा को संदेह की नजर से ही देख रहे हैं। हमने अपने सर्वे में ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये संदेह है क्यों, क्या भारत की हिंदू मुस्लिम महिलाएं सीमा को ISI एजेंट मानती हैं। सीमा को लेकर भारत की हिंदू मुस्लिम लड़कियों का एक बड़ा वर्ग अब तक सही सही राय कायम नहीं कर पाया है। कोई सीमा का तीन मुल्कों से होकर चौथे मुल्क भारत पहुंचना, फर्राटेदार हिंदी बोलना और ISI की एजेंट होने की खबरों पर भारत की हिंदू लड़कियों की क्या राय है, हमारा चौथा सवाल भी यही है। मैं तो प्यार में कहूंगी, मैं नहीं कहूंगी ISI। वो चार बच्चों को लेकर आई है, छोटे छोटे हैं, तो कैसे होगी वो, इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे लेकर आए, क्या पता हो सकती है मास्टरमाइंड भी हो सकती है। हम इसके बारे में कुछ कन्फर्मली नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल मोहब्बत भी इम्पोर्टेंट कोई नहीं ले रहा है, और कोई कोई है जो 1% मोहब्बत को इम्पोर्टेंट ले लेते, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाएंगे, और इसका मैं कुछ नहीं कह सकती, और एजेंसी भी हो सकती है वो 50-50। बिकॉज जब तक हम किसी को जानते नहीं, कोई अचानक से स्ट्रेंजर आ जाता है, तो वी से देयर इज 50-50 चांसेस दैट वो स्ट्रेंजर ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो टू कीप लाइक कीपिंग दिस इन माइंड, उन्हें मतलब इंडिया को कुछ तो अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। डाउटफुल है, हो सकता है कि हो भी सकती है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हमें बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। हाँ, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डाउटफुल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम किस पे विश्वास नहीं कर सकते, और ऊपर से वो पाकिस्तान से आई है, तो वी नेवर नो कि वो किस एजेंडे से आई है यहाँ पे, प्यार से ही आई है, वैसे आई है, सो वी डोंट नो। इंक्वायरी होनी चाहिए, या होनी चाहिए डेफिनेटली। उस पाकिस्तान पे आए सीमा पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो वहाँ की जासूस भी हो सकती या नहीं भी हो सकती, कुछ भी कहना भी संभव नहीं है। हो भी सकता है कि वो ISI की एजेंट हो, क्योंकि वहां से ही आई है, लीगल थ्रू आई है। अब प्यार के थ्रू, कोई प्यार में इतना ज्यादा अंधा कि लीगल वो वहां से सरहद पार करके यहाँ तक आ सकती है, तो मे बी वो कुछ और भी कर सकती है, उससे कुछ बड़ा भी कर सकती है, तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है। प्यार के लिए बोल सकते कि हाँ प्यार के लिए आ सकती है, बट हो भी सकती है वो एजेंट भी हो सकती है। देखिए, जब यही सवाल भारत की मुस्लिम लड़कियों के सामने आया तो उन्होंने क्या कहा। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ऐसे कोई नहीं आ सकता प्यार में। आपको क्या शक है कि क्या हो सकता है? क्योंकि वो इलीगल तरीके से आई है नेपाल के साइड से, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, जो उसके पास फिर 5 मोबाइल फोन जो थे वो हैं उसके पास, और उसके पास 3 ID कार्ड्स भी थे, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की मतलब इतनी ज्यादा मतलब यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है, उसके बाद ही वो लड़की यहाँ पर आई है। मुझे नहीं लगता कि वो आतंकवादी है, जो भी है, मुझे लगता है कि मोहब्बत में आई है। हाँ, उसकी बातों से क्योंकि लग रहा है, जब वो इंटरव्यू देती है तो कहीं पर भी नहीं टकती, सब कुछ बिल्कुल एकदम ऐसे ही देती है इंटरव्यू में, सब कुछ बताती रहती है। क्या उसका मेन मकसद है, जो भी है, बट मुझे लग रहा है कुछ शक है कि वो कोई एजेंट भी हो सकती है, माइट बी, या वो प्यार में आई है। प्यार में आई डोंट थिंक सो, प्यार में मुझे नहीं लगता प्यार व्यार ऐसा कुछ। मेरे पेरेंट्स पे रोज ये बात होती है, मेरे पापा कहते हैं नहीं वो पाकिस्तान से ही आती, मेरी मम्मी कहती है नहीं, क्योंकि माय मदर बिलोंग्स टू पंजाब, तो वो कहते हैं कि मैं देख रही हूँ कि जो लोग यूपी से पंजाब सदियों से रह रहे हैं, उनके एक्सेंट में वो यूपी टच है, वो एग्जैक्ट जो एक होता है ना पंजाबी एक्सेंट, वो है ही नहीं, वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाई, और वो 4 दिन की बंदी आके एग्जैक्ट वही बातें वही सब बोल रही है, हाउ कम इट पॉसिबल। लगता है एक एजेंट है, और इतनी अच्छी सफाई से बोल लेंगे कि किसी की जरूरत नहीं है कि उनको कुछ बता सके, और वो ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लानिंग करके आएंगे। हमारे भारत देश को ऐसे लोगों से खतरा है जो के नाम से अपने बच्चों को लेके इतनी देर दूर आ गई, शोहर उनके बाहर गए थे, उन तक को खबर नहीं थी। नहीं, एजेंट तो हैं वो,
सरहद पार कराएंगे, इनमें भी उनका कुछ मकसद होगा, वो तो पता चल जाएगा फिर। प्यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप अपना मुल्क छोड़कर आ जाओ, अपने पति को छोड़कर आई, अपने बच्चे को लेकर आई, किस वजह से आई? और अच्छा खासा आदमी था, कमाई दवाई सब थी, इतनी दूर से सरहद पार का क्यों आई है, क्यों मकसद से आई है वो? कोई शरारत हो सकती है, कोई साजिश हो सकती है कि वो एजेंट हो ISI की, इसलिए यहाँ पे चली आई हो? अब वो तो नहीं बता सकते हैं सर, जो भी है वो उसका पर्सनल है और ISI वो जान लेगा और उसके बारे में हमें नहीं सही लेगा। आपको क्या लगता है कि ISI एजेंट है या फिर वाकई कुछ लगाव रहा है जिसके चलते आ गई है? सर लगाव इतना वो चार देश पार करके आई है तो इतना ज्यादा लगाव तो नहीं लगता मुझको, पर हमारी भारत की जांच एजेंसियां पूरी जांच कर रही हैं और वो डेफिनेटली उसका निकाल के बताएंगे। ISI एजेंट हो सकती है? हो भी सकती, बट अभी इसके लिए हमारी जो जांच एजेंसीज हैं वो इस पे जांच कर रही हैं।